मैं एक लाला की कहानी बता रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसी है, ये बड़े बुजुर्गों लोग ने जो है कि हमें सुनाया है, उनसे काफ़ी मतलब सुनते रहे तो काफ़ी इंटरेस्टेड रहा, लेकिन अब आज का धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी होने लगा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये कहानी बताऊँ, एक लाला की कहानी। कहानी कुछ ऐसा है कि एक गांव में एक लाला रहता था। उसका काम ही यही था कि गांव वालों को एन कैन प्रकैन जैसे भी हो सके हर तरह से परेशान करता था, और गांव वाले त्रस्त रहते थे। ऐसे करते करते उसको मरने का जब समय आया, तब उसने गांव वालों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, मैं जीते जी तो आप लोगों को बहुत परेशान किया हूँ, तो मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पिछवाड़े में खूंटा ठोक देना। तो गांव वालों ने जो है कि सोचा, चलो ठीक है यार, इसको जीते जी तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद ही ये काम करके अपने आप को कम से कम आत्मसंतुष्टि ले सके। तो फिर गांव वालों ने जो है कि जब वो मर गया लाला, तो उसके पिछवाड़े में खूंटा ठोक दिया और फिर उसकी लाश लेके जाने लगे और बोलते रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब भैया रास्ते में जब गए तो पुलिस आ गई, तो जब पुलिस आई तो गांव वालों को कहा कि लाश उतारो, आप लोगों ने इसको मारा है। कहा कि भैया हम लोग क्यों मारेंगे, कहा कि लाला ने जो है कि हमें एक एप्लीकेशन दे रखा है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे गांव वालों ने मेरे पिछवाड़े में खूंटा ठोक के मारेंगे, तो आप चेक कर लेना। तो लाश उतार के जब देखा तो खूंटा मिला, तब वही गांव वालों ने कहा कि जीते जी तो साला परेशान किया, मरने के बाद ही भी परेशान किया। तो ऐसे लोग हर समाज में, हर गांव में, हर जगह मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए।